हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द NSCLC, दैट इज द नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हम खुद एक कैंसर पेशेंट हैं और इसी डिजीज से हम प्रभावित हैं। जो कुछ भी ट्रीटमेंट के दौरान हम लोगों ने सीखा समझा, क्योंकि ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, दैट इज लाइक ए स्मॉल ओवरव्यू ऑन द टॉपिक ऑफ द नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। नॉन स्मॉल लंग कैंसर एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट इट इज नॉट हैविंग द स्मॉल सेल्स एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लंग कैंसर एंड विद दिस डिजीज कैंसर सेल ओरिजिनेट इन आवर लंग्स आउटर साइड पोर्शन ऑफ आवर लंग and this non small cell lung cancer grows very slowly compared to the small cell lung cancer, but it often spreads to other parts of our body by the time it's diagnosed. Spreading speed is fast, so early detection and treatment are essential. फेफड़ों का ये नॉन स्मॉल लंग कैंसर आम प्रकार का एक कैंसर है। इस बीमारी में कैंसर कोशिकाएं आपके फेफड़ों के ऊतकों में उत्पन्न होती हैं। गैर लघु कोशिका फेफड़ों का कैंसर भी इसे कहते हैं। ये छोटे कोशिका फेफड़ों के कैंसर की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब तक इसका निदान होता है तब तक यह अक्सर हमारे आपके शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। इसलिए इसका शीघ्र पता लगाना और उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। लाइक मैनी अदर कैंसर्स, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, देन इट इज नेम्ड एज द मेटास्टेटिक कैंसर एंड द प्रोसेस इज नोन एज द मेटास्टेसाइस। NSCLC इज मोस्ट कॉमनली इट स्प्रेड्स टू आवर बोन्स, ब्रेन, लिवर, स्किन, लिम्फ नोड्स आर एड्रेनल ग्लैंड्स एंड व्हेन दिस हैपेंस इट इज कॉल्ड द मेटास्टेटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये कई अन्य कैंसरों की तरह नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर भी हमारे आपके शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है या फैल जाता है, और आमतौर पर ये हड्डियों में, मस्तिष्क, यकृत, त्वचा, लिम्फ नोड्स या अधिक वृक्क ग्रंथियों में फैलता है। जब ऐसा होता है तो इसका नाम हो जाता है मेटास्टेटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसके प्रकार अब हम लोग डिस्कस करेंगे कितने प्रकार का ये नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, जिसे हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है एडिनोकार्सिनोमा लंग कैंसर एंड दिस टाइप ऑफ द लंग कैंसर फॉर्म्स इन सेल्स दैट सिक्रेट म्यूकस एंड अदर
सब्सटेंसेस, इट यूजली डेवलप्स इन द आउटर पोर्शन ऑफ आवर लंग एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग मोस्टली अफेक्ट्स पीपल हु करेंटली स्मोक आर दोज हु यूज टू स्मोक बट इट कैन डेवलप इन पीपल हु हैव नेवर स्मोक्ड एज वेल. It is also more likely to occur at a younger age compared to other type of the lung cancer. Adenocarcinoma एक इस प्रकार का जो फेफड़ों का कैंसर है वो उन कोशिकाओं में बनता है जो बलगम और अन्य पदार्थों का स्राव करती हैं. यह आमतौर पर आपके फेफड़ों के बाहरी हिस्सों में विकसित होता है. फेफड़े का एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादातर उन लोगों को प्रभावित करता है जो या तो वर्तमान में धूम्रपान कर रहे हैं या पहले धूम्रपान कर किए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन ये उन लोगों में भी विकसित हो सकता है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है. नॉन स्मोकिंग केस इज माई केस. अन्य प्रकार के इस फेफड़ों के कैंसर की तुलना में यह कम उम्र में भी इसके होने की संभावना होती है. दूसरी कैटेगरी जो NSCLC दैट इज द नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर का है, उसको कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड इट हैपेंस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर लंग. इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग. थर्ड कैटेगरी इज द लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा. दिस टाइप ऑफ द कैंसर कैन फॉर्म इन एनी पोर्सन ऑफ द लंग. इट इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज इट ग्रोज एंड स्प्रेड्स वेरी क्विकली. Now, diagnosis of the small cell lung cancer. Different types of the tests are carried out in order to diagnose the lung cancer. For example, imaging tests, sputum, that is also known as the cytology here. If we consider here the sputum test, then it considers the x-rays, imaging tests first. We will consider the imaging test. These imaging tests includes the X-rays, MRI, CT and position emission tomography. Position emission tomography is also known as the PET. Positron emission tomography, PET scan, and sputum, that is also known as the cytology here. Sputum is the mucus that is coughed up from the lungs. If you are coughing up sputum, it can be looked at under a microscope. The sputum can sometimes show lung cancer cells. And next one is the biopsy, that is a procedure to remove a sample of tissue for testing in lab. फेफड़ों के कैंसर के निदान के लिए जो परीक्षण टेस्ट किए जाते हैं उनके कई प्रकार हैं. इनमें से इमेजिंग परीक्षण अगर देखें तो इमेजिंग परीक्षण शरीर की तस्वीरें बनाते हैं और वह फेफड़ों के कैंसर का स्थान और आकार दिखा सकते हैं. परीक्षणों में इनके उदाहरण हैं एक्सरे, MRI, CT, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जिसको PET भी कहते हैं, PET, PET. नेक्स्ट इज द स्पटम जिसको साइटोलॉजी कहते हैं. थूक कोशिका विज्ञान, थूक वह बलगम है जो फेफड़ों से बाहर निकलता है. यदि आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है तो इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है. थूक कभी कभी फेफड़ों के कैंसर की कोशिकाओं को
परीक्षण करने में मदद कर सकता है, लेकिन कभी नहीं होता है तो अदर टेस्ट के लिए जाते हैं। बायोप्सी एक प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए ऊतक का नमूना निकालने के लिए ये प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और बायोप्सी के डिफरेंट तरीके हैं। योर हेल्थ केयर टीम कैन परफॉर्म ए लंग कैंसर बायोप्सी सेवरल वेज। वन वे इज द ब्रोंकोस्कोपी। ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल पासेस ए लाइटेड ट्यूब विद ए कैमरा डाउन योर थ्रोट इनटू योर लंग्स टू एग्जामिन द एरिया। स्पेशल टूल्स कैन बी पास्ड थ्रू द ट्यूब टू कलेक्ट ए सैंपल ऑफ द टिश्यू। जो आपके स्वास्थ्य टीम आपका परीक्षण कर रही है वो बायोप्सी जो फेफड़ों के कैंसर के परीक्षण के लिए होती है उसके कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ब्रोंकोस्कोपी का भी है। ब्रोंकोस्कोपी के दौरान एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर क्षेत्र की जांच करने के लिए आपके गले के नीचे कैमरे के साथ एक रोशनी वाली ट्यूब को आपके फेफड़ों में डाला जाता है। टिश्यू का नमूना एकत्र करने के लिए विशेष उपकरणों को ट्यूब के माध्यम से पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द मीडिया स्टेनोस्कोपी। दैट इज एन ऑप्शन। ड्यूरिंग द मीडिया स्टेनोस्कोपी एन इंसिजन इज मेड एट द बेस ऑफ योर नेक। सर्जिकल टूल्स आर देन इंसर्टेड बिहाइंड योर ब्रेस्ट बोन टू टेक टिश्यू सैंपल्स फ्रॉम लिम्फ नोड्स। मीडिया स्टेनोस्कोपी भी एक विकल्प है। इसके दौरान गर्दन के आधार पर एक चीरा लगाया जाता है, फिर लिम्फ नोड्स से ऊतक के नमूने लेने के लिए सर्जिकल उपकरण आपके ब्रेस्ट बोन के पीछे डाले जाते हैं। अनदर ऑप्शन इज ए नीडल बायोप्सी। इन ए नीडल बायोप्सी योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूजेस एक्सरे आर द सीटी इमेजेस टू गाइड ए नीडल थ्रू द स्किन ऑन योर चेस्ट। द नीडल गोज इन टू द लंग टिश्यू टू कलेक्ट सेल्स दैट कुड बी कैंसरस। ये जो नीडल बायोप्सी के में एक टीम क्या करती है कि हमारे जो छाती की त्वचा के माध्यम से सुई का मार्गदर्शन करने के लिए एक्सरे या सीटी इमेजेस का उपयोग करते हैं और सुई फेफड़ों के ऊतकों में जाकर उन कोशिकाओं को इकट्ठा करती है जो कैंसरग्रस्त होते हैं। थोरैकोस्कोपी आर वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी दैट इज नोन एज द वेट्स इज ए टाइप ऑफ सर्जरी फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग मेनी कंडीशंस अफेक्टिंग द चेस्ट एरिया दैट इज नोन एज द थोराक्स। एंड थोरेसेंथिसिस इज इन्वॉल्व्स टेस्टिंग द फ्लूइड बिटवीन द लाइनिंग ऑफ योर चेस्ट एंड द लंग। डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स के स्टेजेज होते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, थ्री, फोर। ये डिपेंड करते हैं कि बॉडी के कितने पार्ट्स तक फैल गए हैं एंड व्हाट इज द ट्यूमर साइज। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर हियर द ट्यूमर साइज दैट इज द 1 माइक्रो इनवेसिव दैट इज लेस देन 0.1 सेंटीमीटर, देन इट इज द ट्यूमर 1 माइक। एंड अनदर वन इज इफ इट इज बिटवीन द 0.1 to 0.5 सेंटीमीटर ट्यूमर साइज, then the tumor is named as the T1A and this is named as the first age mutation here first A
फर्स्ट वी इज द 0.5 to 1 सेंटीमीटर, फर्स्ट सी इज 1 to 2 सेंटीमीटर, एंड 2 to 5 सेंटीमीटर इज अंडर द कैटेगरी 2, एंड इट इज ग्रेटर देन 3 देन इट विल बी द 5 सेंटीमीटर, दैट इज द टाइप 3. This is the third stage cancer. This shows the third stage cancer if the tumor size is greater than 5 centimeter. And these are the other sizes here. Now, tumor of any size with direct extension to, there are other categories of the here, that like the 4A, 4B, 4C and 4D. Now, outline of the treatment that depends upon the different stages, stage 1, 2, 3, 4, 5, like that. Stage 1A, the treatment that is followed, there are the another type of the treatment, but we have taken the example from somewhere that the it includes only the surgery and there is no adjuvant chemotherapy. And what is the adjuvant chemotherapy? It is cancer treatment that is given after the primary treatment such as the surgery. Next is the stage 1B or the third A. Surgery followed by for this type of the cancer, the treatment that is used is the surgery followed by the adjuvant chemotherapy with 4 cycles of the cisplatin based regimen. And in cases with an EGFR exon, that is the test and if this EGFR exon 19 deletion or the exon 21, this one mutation takes place, then adjuvant osimertinib is given. Cisplatin is a chemotherapy dawa hai, jiska upyog testicular, ovarian, bladder, head, neck, lung or cervical cancer ke liye kiya jata hai. EGFR, that is the epidermal growth factor receptor exon 19 deletion, in short form it is named as the E19del, is the most common activating mutation in advanced non-small cell lung cancer. And stage 2 to 3B, if surgically unresectable, then chemo radiation plus durvalumab for 1 year is given. Now stage 4 is categorized into 2 category, and before the discussion we will discuss here some terms like the PD-L1. PD-L1 is found on the certain healthy cells, it acts as a kind of brake to stop cells in your immune system called T cells from attacking healthy cells in your body. So sometimes the measurements are dependent upon the PD-L1 and its quantity, whether it is less than 50 or greater than 50. If cancer cells have high amounts of the PD-L1, they can turn your T cells off, so they cannot attack the cancer cells. T cells, what are the T cells? These are also known as the T lymphocytes. The T stands for the thymus, the organ in which these cells mature. T cells are part of the immune system and develop from stem cells
इन द बोन मैरो। हियर इफ वी कैटेगराइज द स्टेज फोर देन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रीटमेंट। वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेज फोर स्क्वेमस नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड फॉर दिस वन वी यूज हियर द सिस्प्लेटिन बेस्ड कीमोथेरेपी। इफ प्रोग्राम डेप्थ लीजेंड वन दैट इज द PDL1 एक्सप्रेशन इज 1 to 49 दैट इज लेस देन 50 कीमोथेरेपी प्लस pembrolizumab इज गिवेन। इफ PDL1 एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 50% देन pembrolizumab alone is given। Treatment of the stage 4 non-squamous NSCLC is as follows. If PD-L1 expression is 1 to 49, cisplatin based chemotherapy plus pembrolizumab is given. If PD-L1 expression is greater than 50, then pembrolizumab alone is given. And cisplatin based chemotherapy plus bevacizumab is also a reasonable option here for this one. And oral tyrosine kinase inhibitor or other targeted therapy for the tumors with treatable driver mutations. And what are these treatable driver mutations? These mutations includes the EGFR, alkaline ALK, ROS1, and RET, BRAF, NTRK gene fusion, MET exon, and the 14 skipping. If these tests are positive, then targeted therapy is given. So this is about some points or the layout about the NSCLC. That is that non-small cell lung cancer. So thank you. Thanks for patience hearing.